फिर कैसे हो सभी? सब बढ़िया। तो आप सबका एक फ्रेश नए ग्रिल चिकन वाले ब्लॉग में। तो फिर जगह चेंज करता है, डर लग रहा है फोन करना जाए। एक महीना हो चुका है मुझे यहाँ रहते रहते, तो मैं आप बताता हूँ कि क्या क्या आपको मुश्किलें आ सकती हैं, क्या क्या आपको कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना चाहिए। मैं एक हिंदू हूँ तो उस वजह से कुछ कुछ चीज़ों का जो मुझे ध्यान रखनी पड़ती है मंगलवार को, जैसे हम चिकन नहीं खाते, बाकी जो है मैं आपको बताता हूँ। और कुछ कुछ दिन में चिकन नहीं खा सकता, और मैं बीफ और पॉर्क तो बिल्कुल नहीं खा सकता, तो उस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। और क्या क्या रेंट का होता है और जो किराया होता है वो, और बाकी जो आपका और रह जाता है। तो मैं अपना बताता हूँ, मेरा जो किराया है वो 1.5 है, मिलियन वियतनामी डोंग, तो वो हो गया आपके तकरीबन 4,000 से 5,000 रुपये इंडियन के, अगर आज की करेंसी के रेट के एक्सचेंज की बात करूँ, ऑलमोस्ट इतना ही हो गया, ठीक है। और बाकी और डिपॉजिट मनी आपको देना पड़ता है एक महीने के लिए, पहले महीने के लिए बस, बाकी तो आपके फिर उसके बाद जो नॉर्मल और जो किराया होता है वो चलने लगता है। और हाँ, और जो जो मैं बताता हूँ, अगर आप, मैं थोड़ा हनोई से थोड़ा हल्का सा हटके मैं कहूँगा, थोड़ा से जो होता है ना मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहते हो, वो उस जगह पे रहते हो तो थोड़ा दूर पड़ जाता है चीज़ें। ऑलमोस्ट यहाँ पे आने पे मेरे को 18 मिनट लगते हैं, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर है। और अगर वो वाली जो छोटी सी लेक है अगर वहाँ जाऊँगा तो ऑलमोस्ट तकरीबन पड़ जाता है मेरे को यही आधे घंटे के आसपास बाइक मोटर बाइक पे, ठीक है। तो उसी वजह से मेरा रेंट जो है थोड़ा सा कम है, बाकी तो बाकी अगर आप इस वेस्ट एरिया के इलाके में रहेंगे ऑफकोर्स रेंट आपका हाई जाएगा। तो अगर आप वो देखना है, मतलब ये थोड़ी लोकेलिटी भी अच्छी है, थोड़ी पॉश एरिया आ जाता है, तो उस वजह से रेंट ऑब्वियसली हाई होगा। मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊँ तो 5-6 मिलियन तो हो ही गई आराम से, 5-6 मिलियन में भी कम कह रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 10 भी हो सकता है जितना मेरे को आइडिया है। और बाकी तो अगर आप महीने का पूरा मोटा मोटा हिसाब लगाओगे, तो अगर आप मेरे रेंट के हिसाब से अगर मैं अपना लगाता हूँ तो अभी तक मेरे 20 या 25 हज़ार खर्च हो चुके हैं। बाकी तो अगर आप थोड़ी अच्छी मतलब इस वेस्ट लेक के आसपास रहते हैं तो आपके इससे ज़्यादा लग सकता है, ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो 35 से 40 हज़ार लग सकता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप हिंदू हैं और मंगलवार को चिकन तो बिल्कुल नहीं खा सकते ना अंडा खा सकते, तो आपको दिक्कत होगी थोड़ा वेजिटेरियन ढूंढने में। और बीफ और पॉर्क तो अगर खा ही नहीं सकते तो दिक्कत होती है। हलाल फूड का मेरे को पता नहीं यार, मेरे को मैं हम तो कुछ भी खा लेते हैं हिंदू, तो अगर खा सकते हैं तो बीफ और पॉर्क को छोड़ के, लेकिन हलाल फूड का मेरे को पता नहीं है इतना। तो है कुछ शॉप है मेरे ख्याल से हलाल फूड भी मिलता है, और ये इसका तो है, लेकिन आपको ढूंढना तो पड़ेगा ही। और जब जब मंगलवार होता है और कुछ त्यौहार होता है, मैं कुछ नहीं खाता मीट और अंडा भी, तो उस वजह से मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस बात का ज़रूर रखना, जब भी आप अगर यहाँ पे मूव होने की सोच रहे हो, तो अगर आप एक हिंदू हो तो दिक्कत तो होंगी खाने के चक्कर में, और खाना इनका टेस्टलेस होता है, उस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। टेस्टलेस है यार, मेरी जीभ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ सिर्फ उबाल के खाना खा रहा हूँ, और चावल रोज़ खा रहा हूँ उसकी वजह से, और मैं रोटी खाने वाला इंसान हूँ तो चावल मेरे को रोज़ अच्छे लग रहे, तो पेट साफ़ नहीं हो पा तो वजह से। और बाकी जो है बाकी मैं दूसरी लोकेशन पे जाके बताता हूँ। तो यहाँ के गार्ड ने कछुआ सा दिखाया मुझे, मैं जब वीडियो बना रहा था इन्होंने आए मेरे पास, कुछ कहा तो नहीं, बस इन्होंने कछुआ दिखाया छोटा सा इन्होंने। कम ऑन, कछुआ है, पहली बार कछुए को छू रहा हूँ, और वैसे छुपा हुआ है डरा हुआ है, बाकी तो बहुत बड़ा है। और कछुए की जो उम्र होती है वो बहुत लंबी होती है, 100 साल के ऊपर ही चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगर बाहर होता तो और मज़ा आता, लेकिन वो अंदर है डर के मारे। तो बाकी मैं और अभी बताता हूँ वीडियो के अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, ये वही साइड है, पीछे वही है। तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, मूव करने की सोच रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अगर आप वेस्ट लेक के आसपास मेन जो मेन ओल्ड क्वार्टर है वहाँ रहना चाहते हैं, तो तकरीबन आप अपनी सैलरी आप 10 मिलियन से ज़्यादा ही रखना,
तो तब जाके आप इस एरिया को आप अफोर्ड कर पाओगे और एक अच्छी लाइफ अगर आप लेना चाहोगे तो रह पाओगे। वरना अगर आपकी सैलरी 10 मिलियन के आसपास ही है और अगर आप इस एरिया में रह रहे हो तो कुछ चीज़ें जो आपकी रेंट तो चलो आप दे दोगे, फिर उसके बाद जो डेली बेसिस की चीज़ें उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उससे ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अगर आपकी फिर उसके बाद सैलरी आपकी ऑलमोस्ट 20 मिलियन होनी चाहिए यहाँ पे, अगर आप छोटी मोटी और अगर जॉब और कर सकते हैं तो वो आपके ऊपर है। बाकी तो इस एरिया में ज़्यादातर फॉरेनर्स ही रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो रेट है वो थोड़े हाई हैं रेंट के, और ये थोड़ा क्लोज भी है बाकी सारी चीज़ों से, तो इस वजह से हाई है। और मेरा रेंट इसलिए कम है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया वो थोड़ा इस इन सब से दूर हो जाता है, तो इस वजह से 1.5 मिलियन है एक महीने का, जो 5,000 के आसपास हो सकता है। बाकी जो आपके ऊपर है आपकी सैलरी के हिसाब से होगी वो आप अपना देखना। और महीने का खर्चा अगर मैं अपना ही लगाऊं तो अभी के लिए से 25,000, बाकी अगले महीने से थोड़ा कम होगा क्योंकि मैंने इस बार डिपॉजिट मनी भी इंक्लूड करा इस महीने में, जो था 1 मिलियन, जो 3,000-4,000 रुपये वो हो गए, तो इस वजह से इस बार थोड़ा ज़्यादा पड़ा, बाकी तो कम होगा अगले महीने से होपफुली। तो बस इतना ही, अगर आप यहाँ पे मूव आउट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो खाना आपका बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इंडियन मसाले अगर आप बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया, और अलग अलग रेट होता है। अगर आपको किचन के साथ अपना घर चाहिए उसका रेट अलग होता है, अगर आपको बिना किचन चाहिए वो अलग होगा, अगर आप रूममेट भी ले सकते हैं तो मगर आप एक पुलिस वाले से, अगर आप रूममेट ले सकते हो थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पे, अगर आप रूममेट भी ले लेते हैं अपना तो थोड़ा रेंट कम भी पड़ जाएगा, और किचन वाले अगर आप खाना पका सकते तो और कम होगा, अगर बाहर आप डेली का खाएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा पड़ जाएगा। तो अपने हिसाब से अपना अपना बजट बनाइए अगर यहाँ पर मूव आउट करने की सोच रहे हैं, मूव करने की सोच रहे हैं तो। और बाकी तो है यार खाने की बहुत बड़ी दिक्कत है, बाकी तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, ये याद रखना लैंग्वेज जो बैरियर है वो बहुत है, ऑलमोस्ट इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ख़राब है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इनको वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर इनके प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ख़राब है, तो पर लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, जैसा कि उस गार्ड ने मेरे को कछुआ ला के दिखा दिया था टाइटल, तो आपको ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन इनका लैंग्वेज बैरियर की वजह से ही ये पीछे रह जाते। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूं सबको वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मिलता हूं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना और कीप स्माइलिंग, बाय बाय।